डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ से गोरखपुर जंक्शन होते हुए नकहा जंगल रेलवे स्टेशन जा रही मालगाड़ी धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे डिरेल हो गई। मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी पर से उतर गईं, जिसमें नकहा की तरफ से जाने और आने वाली गाड़ियां प्रभावित हुईं। मालगाड़ी के डिरेल होने की सूचना पर रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तत्काल काम शुरू कर दिया। मालगाड़ी के सुरक्षित डिब्बों को काटकर अलग कर दिया गया तथा पटरी पर से उतरी 3 डिब्बों को जैक लगाकर पुनः पटरी पर लाया गया, जिससे आवागमन को फिर से शुरू किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टेक्निकल हेड व डायरेक्टर राजन ने बताया। एक से 6 से पैसेंजर हो गया और फिर उधर जो है 322 है और 323 है। डबल है ना यहाँ, डबल दूसरी लाइन से चलेगी गाड़ी, तब तक चलेगी मतलब। तो एक तरफ प्रभाव तो इतना पड़ ही जाएगा ना, इसको प्रभाव पड़ेगा ही। जो भी पूरब की तरफ गाड़ी जाती है, इस रोड से उनको गुजर जाती है ऐसे नहीं, इधर से जाने वाली जैसे उधर वाली है तो इधर से जाती ही है, ये तो क्लियर है। जो करना था डोमिनगढ़ साइड से आ रही थी,
गोरखपुर नकहा के जाना था गोरखपुर होकर के। तीन तीन वैगन डिरेल किए हैं, थोड़ा बहुत निलंबन कुछ गाड़ी का हुआ है, जब तक रिस्टोर नहीं होगा गाड़ियां कुछ प्रभावित हैं, नका साइड का मूवमेंट अभी प्रभावित है, तीन चार घंटे लगेंगे।